हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आते रहते हैं ताकि एज ए इन्वेस्टर हम आपके तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें जो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक वीडियो पहले ही लेके आए थे इजी ट्रिप प्लानर आईपीओ के ऊपर, जहां पे हमने आपको डिटेल में बताया था, तो उसके आगे चलते हुए आज हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। और आज हमारे साथ हैं इजी ट्रिप प्लानर के सीईओ प्रशांत पीटी। तो वेलकम प्रशांत, ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में हम प्रशांत से काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो हमें लगता है कि एज अ इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो प्रशांत, यू वांट टू से समथिंग टू आवर व्यूअर्स? नो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। आई एम हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच यू मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर व्यूअर्स इन द पास्ट। ओके प्रशांत, so let us move to the very first question. So I'll just take the first question. So Prashant ji, bola jata hai ki when the easy trip planners was started, it was started from your home garage basically. Aapke garage se start hui ye company, aaj India ki one of the leading online travel agency ban chuki hai. So what was the journey behind it? Can you just want to tell about it? हाँ बिल्कुल। I'm a graduate from IIT Madras, तो मैं US में job कर रहा था। From year 2005 till 2009 मैं US में था। I was working for a couple of banks. मेरे दो छोटे ब्रदर्स है, निशान पिती एंड रिकान पिती, वो दोनों कॉलेज में थे। और फादर का कोल ट्रेडिंग का बिजनेस है काफी पुराना, तो फादर यूज टू ट्रैवल अलॉट। तो एक बार एक ट्रैवल एजेंट ने काफी बड़ा धोखा दे दिया था, तो उसकी वजह से फादर लॉस सम मनी। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है रिकांत, उसने सोचा कि वो ही टिकटें बनाना शुरू कर देगा। तो वहां से काम शुरू हुआ था। और यू नो, इन ईयर 2008 वी एक्चुअली फॉर्मली स्टार्टेड easemytrip.com। मैं एक साल यूएस में ही था, और फिर मैं एक साल के बाद में, जब निशांत और रिकांत की कंपनी एक साल चला चुके थे, तो मैं अपनी जॉब क्विट करके 2009 में इंडिया मूव किया था। एंड सिंस देन वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस। तो कंपनी मात्र 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी और आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है। सो इट्स अ क्वाइट, अपार्ट फ्रॉम द आईपीओ, इट इज क्वाइट एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर द पीपल हु जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन। So nice to hear that, Prashant. So sure. Let us move to the next question. So like whenever we try to book tickets online, जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज के बारे में बात की जाती है। और जब भी easemytrip.com की बात आती है तो जीरो कन्वीनियंस चार्ज, जिससे काफी कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए थे, शायद आपके लिए एक ग्रोथ वो भी था। तो आपने कैसे ये डिस्काउंट ऑफर किया कस्टमर्स को? और बोला जाता है कि एक अर्निंग होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज के लिए, ओटीए पूरी इंडस्ट्री के लिए। सो हाउ डिड इट नॉट इंपैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी एट ऑल? सो यू जस्ट वांट टू टेल अबाउट दिस एंटायर? हां एब्सोल्युटली। सो हमने कंपनी 2008 में शुरू की थी, और 2008 से लेकर 2011 तक हम प्राइमरी ट्रैवल एजेंट्स की टिकटें बनाते थे। ओके। ट्रैवल एजेंट्स के लिए हम बिजनेस करते थे और हमने वहां से बिजनेस सीखा है। ट्रैवल एजेंट्स की हम टिकटें बनाना शुरू किया था, हमने तो बल्क में ट्रैवल एजेंट हमसे टिकट बनवाते थे। 2011 में वो बिजनेस ठीक ठाक चला था, बट 2011 में हमने B2C पोर्टल शुरू किया easemytrip.com, जिससे कोई भी टिकट बना सकता है। नाउ जब हमने easemytrip.com शुरू किया, तो हमने देखा कि मार्केट में हमारे काफी सारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते थे, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा, दे ऑल वर देयर, वो पहले से थे। और हमने देखा कि हर कोई लास्ट में कन्वीनियंस फीस चार्ज करता है, जो कि स्टार्टिंग में प्राइस अगर 4,000 रुपए है और दो पैसेंजर जा रहे तो 8,000 रुपए प्राइस है, तो आखिरी में जाके 300 मल्टीप्लाइड बाय दो। कन्वीनियंस फीस बेसिकली इज अ मल्टीपल ऑफ हाउ मेनी पैसेंजर्स आर फ्लाइंग। तो 8,000 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 8,600 रुपए का चार्ज हो जाता था। तो हमने उसी टाइम डिसाइड किया कि यू नो, हमें एक ऐसी कंपनी बनना है कि जिसको कस्टमर्स को मार्केटिंग करने की जरूरत ना पड़े। हम ये कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करेंगे, हमने प्राइस हम हमेशा कस्टमर्स को ऑप्शन देंगे कि कन्वीनियंस फीस पे करना ना पड़े easemytrip पे। और हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कि हमें हम जानते हैं कि इंडिया की साइकोलॉजी है कि इंडिया इज अ वेरी प्राइस फोकस्ड कंट्री। अगर कोई एक कमोडिटी, एयर टिकट एक कमोडिटी है, चाहे वो आप मुझसे ले चाहे किसी और से ले, सीट वही रहेगी, सीट चेंज नहीं होती, कोई सर्विस नहीं आती उसके अंदर। तो अगर इंडिया में कोई कमोडिटी सस्ते दाम पे बेच सकता है अपने कॉस्ट कम रखकर, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि लोग अपने आप आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। लास्ट के 10 सालों में हमने अपना नाम ही ये बनाया कि हमें नो कन्वीनियंस फीस गाइस बोला जाता है मार्केट के अंदर। वी आर नोन एज अ नो कन्वीनियंस फीस गाइस, जहां की हमारे कॉम्पिटिटर्स पिछले 10 सालों से क्या हम स्टार्टिंग से ही अब तक कन्वीनियंस फीस चार्ज करते आए हैं, और कई तो कन्वीनियंस फीस बढ़ाते जा रहे हैं। सो हमारा आउटलुक कन्वीनियंस फीस को लेकर ये है कि हम कन्वीनियंस फीस को एक टूल की तरह यूज करते हैं, जिससे हमें वायरलिटी मिले और कस्टमर हमें रिटेन रहे।
जबकि हमारे कॉम्पिटिटर्स कन्वीनियंस फीस को शायद एक प्रॉफिटेबिलिटी का टूल की तरह यूज करते हैं। तो ये एक आउटलुक में डिफरेंस है। हम एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते। तो हमने अपना पूरा फोकस कॉस्ट एफिशिएंसी पे लगा रखा है, ना कि मार्केटिंग के ऊपर लगा रखा है। तो इस वजह से हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमेशा से ही बहुत बहुत लो रहे हैं कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स। और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे कस्टमर्स यू नो खुद वर्ड फैलाएंगे, टू बी ऑनेस्ट हमने भी बहुत मेहनत की है। जैसे स्टार्टिंग के दिनों की बात बताता हूँ, 2011-12 की बात बताता हूँ आपको। तो जब कस्टमर्स बुक करने आते थे, भूले भटके कैसे बीच मिनट पे पहुंच गए, उन्होंने बुकिंग कर दी, दिन की 500-600 बुकिंग्स हो गई, तो हम तीन ब्रदर्स आपस में डिवाइड कर लेते थे कि दो दोस्तों कॉल हम तीनों करेंगे हर दिन। तो हम कस्टमर को फोन करते थे, बोलते थे सर आपको बचत हुई है ना, आप जाके चेक कीजिए, एक्स वाई जी वेबसाइट से कंपेयर कीजिए, तो आपको आपको 500-600 रुपए की बचत हुई है ना, तो प्लीज आप ये बात फैलाइए, आप अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को ये चीज बताइए। और दे यूज टू बी इम्प्रेस कि फाउंडर्स खुद ही कॉल करें, उनको भी अच्छा लगता था कि फाउंडर्स खुद कॉल करें और सही में उनको बचत हुई है। तो प्रीटी मच हम इस तरह से हमने ग्रो किया कि हमारे हमारे रूट्स बहुत हम्बल थे, हमारी स्टार्ट बहुत हम्बल थी, और हमने मार्केटिंग के सिवाय हमने अपने सर्विस के ऊपर और अपने प्राइस के ऊपर बहुत फोकस रखा। करेक्ट, बिकॉज़ इट इज नॉर्मली सेड कि अगर वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा हो रहा है तो आपको बाकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी लाइक एग्जांपल इन द रियल लाइफ। तो प्रशांत, लाइक एज यू जस्ट मेंशन कि आप यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज नहीं करते एंड इवन यू आर फेमस फॉर दैट, सो हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी कम्स कि देयर इज अ पॉइंट दैट इज बीइंग सेड कि 2018 से लेके 20 के बीच में यू आर द आई वुड से कि ओनली OTA कंपनी लाइक ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी में एक ऐसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल रही है। तो आप ये चार्ज नहीं करते हैं बट यू आर प्रॉफिटेबल, हाउ एंड सो एक्चुअली आरएचपी में तो लिखा हुआ 2018 से 2020 तक, बट रियलिटी ये है कि हमने हर साल इनकम टैक्स पे किया है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 2008 से लेकर 2020 तक, हर साल हमने इनकम टैक्स पे किया है, हम हर साल प्रॉफिटेबल रहे। एक भी ऐसा ईयर नहीं हुआ हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर जब हम प्रॉफिटेबल नहीं रहे। नाउ इसका मेन कारण जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कॉस्टिंग हमारे बहुत कंट्रोल में, मैं आपको बताता हूँ हमारी जैसी कंपनीज के जो कॉस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स क्या क्या होते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर होता है वो होता है डिस्काउंटिंग, कितना डिस्काउंट दिया आपने कस्टमर को। दूसरा कॉस्ट सेंटर होता है कितनी मार्केटिंग की आपने। तीसरा कॉस्ट सेंटर होता है कि आपने एम्प्लॉयज पे कितना खर्चा किया। और चौथा कॉस्ट सेंटर होता है आपने एडमिन पे कितना खर्चा किया। हमारी जैसी कंपनी के यही चार मोटे मोटे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। और अब जैसे हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते, लेकिन हमें कुछ एयरलाइन से भी कमीशन आती है, कुछ GDS होता है जैसे कि गैलीलियो एमीडियस, उनसे कमीशन आती है। कस्टमर जब कैंसिल करते हैं तो हम कैंसिलेशन सर्विस चार्ज लेते हैं जैसे कि हर कोई लेता है, तो कुछ कमाई वहां से आती है। और कुछ केसेस में हम कन्वीनियंस फीस भी लेते हैं, वो केसेस ये होते हैं कि जब भी आप इज माई ट्रिप पे कोई डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करोगे तब आपको कन्वीनियंस फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप कोई डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल नहीं करें तब आपको कन्वीनियंस फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। और इसका रैशनल भी समझाता हूँ कि जैसे हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उसने एडवर्टाइजमेंट की है कि 1000 रुपए ऑफ। अब एक्चुअली में वो 1000 रुपए ऑफ नहीं है ना, 1000 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है, 300 रुपए कन्वीनियंस फीस ले रहा है। तो हम कभी 1000 रुपए ऑफ बोल ही नहीं पाते थे अगर हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते। तो हमें भी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के लिए जब हमें भी एडवर्टाइज करना पड़ गया 1000 रुपए ऑफ, तो हमने समझ लिया कि यार जब हम डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं तब तो हमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन रखना ही पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर से, और उस केसेस में तो हमें भी कन्वीनियंस फीस चार्ज करनी ही पड़ेगी जिसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है। तो इज माई ट्रिप पे आप कन्वीनियंस फीस तभी पे करते हैं जब आप डिस्काउंट कूपन लगा रहे हो, अदरवाइज कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो कुछ पोर्शन वहां से आता है, कुछ कन्वीनियंस फीस का पोर्शन वहां से आता है, कुछ एयरलाइन से कमाते हैं, कुछ GDS से कमाते हैं, कुछ कैंसिलेशन से कमाते हैं, ये सब मिलाकर हमारे पास में एक एक्स परसेंटेज हमारा मार्जिन हो जाता है। अब उस एक्स में से हम माइनस करते आते हैं डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट माइनस होता है, हमारी मार्केटिंग माइनस होती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ हमारा डिस्काउंट जैसे FY20 का था, मैं आपको ओवरऑल नंबर बता देता हूँ। हमारा डिस्काउंट FY20 का 3% था, हमारी मार्केटिंग 0.8% थी, हमारी एम्प्लॉय, ये सब GMV के ऊपर है। हमने FY20 में 4200 करोड़ का बिजनेस किया था, जो हमारा टोटल टर्नओवर था वो 4200 करोड़ का था FY20 के अंदर। तो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 0.8% थी, हमारी डिस्काउंटिंग 3% थी, और हमारी ये क्या कहते हैं इसको, हाँ हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट 0.7 थी और हमारी एडमिन कॉस्ट 0.3 थी। ये रफली बता रहा हूँ मैं मोटा मोटा। तो सब कुछ मिला के 4.8% हो जाता था हमारा जो नेट खर्चा था। और जो हम कमाते हैं, जो आपको मैंने आइटम्स बताए हैं उसमें कमाई हमारी ज्यादा होती थी, तो इस वजह से हमेशा हमारा एबिटा पॉजिटिव रहा है इस वजह से। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जो हमारा 4.8% का कॉस्ट आया है सारा मिलाकर,
जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका 11.4 आता है फॉर दैट मैटर, जो हमारा 4.8 आता है, तो वो कन्वीनियंस फीस चार्ज करने के बावजूद भी कम पड़ जाता है 11.34% से कम पड़ जाता है। तो और एक और चीज है, जैसे यू नो हम इंटरनेट बिजनेस है, हमारे कोई रिटेल सेंटर्स नहीं है, तो यू नो हमारा एक ही ऑफिस स्पेस है, वो ऑफिस स्पेस भी कंपनी ने ओन कर रखा है, परचेज कर रखा है, तो हमारा कोई रेंटल खर्चा भी नहीं आता है। तो हमारे जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके काफी स्वैंगी ऑफिसेज हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ स्वैंगीस्ट ऑफिसेज है हाई स्ट्रीट के ऊपर। हम जानते हैं कि हम एक SaaS बिजनेस रनिंग कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट मार्जिन 50% हो, हम एक यू नो OTA स्पेस में जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, तो अंडर 10% हमारा मार्जिन होता है OTA स्पेस के अंदर। तो ये बिजनेस का रूल है, हम इस बिजनेस के रूल की कदर करते हैं, हमने उस हिसाब से अपने खर्चे बना रखे हैं, हमने खर्चे भी अंडर 10% के अंदर ही कर रखे हैं, हमने अपने खर्चे ओवर 10% के नहीं कर रखे हैं। तो इस वजह से हमारी हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रही है। और जहां तक की बात है मार्केटिंग की, तो हमारा FY20 के अंदर मार्केटिंग का खर्चा 27 crore था सारा मिलाकर। अब 27 को 4200 से डिवाइड करेंगे तो 0.8% आएगा, जैसे मैंने आपको बताया 27 crore का हमारा मार्केटिंग का खर्चा था, और हमारे कॉम्पिटिटर का खर्चा 1100 crore था। अब आप फर्क देखिए, 27 crore और 1100 crore में मार्केटिंग के खर्चे के अंदर, और उसके बावजूद भी हमने हमारी जो ग्रोथ हुई है FY18 से FY20 तक वो हुई है 47% ईयर ऑन ईयर, वाइल हमारे कॉम्पिटिटर की 20% ईयर ऑन ईयर। तो आप ये चीज मत अज्यूम कीजिए कि कस्टमर को आप दिखाएंगे बार बार तो कस्टमर आपके पास में आएंगे, कस्टमर अपना बेनिफिट देखेगा, जहां पे भी उसको बेनिफिट मिलेगा, जहां पे उसको चीपर प्राइस मिलेगा कस्टमर वहां पे जाएगा। तो हमने उसी के ऊपर फोकस रखा, हमने सोचा कि यार मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी ना अगर हमारा प्रोडक्ट सस्ता है तो, एंड दैट इज हाउ वी प्राइमली ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Got it. So basically, you have आपने अपना top line को intact रखा through your all the revenue those you were getting, but you have improved your bottom line using a proper cost deduction measures that you've taken. Absolutely. और हमने बहुत automation के ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से हमारे employee cost हमारी कम है, हमारी marketing cost कम है, हमारा discount कम है, discount कम देना पड़ता है क्योंकि हम convenience fees charge नहीं करते, हमारे competitor को ज़्यादा discount देना पड़ता है। Basically, it's a different kind of cycle we are in a virtuous cycle जहाँ पे कोई आता है इस मार्ट ट्रिप पे वो यूज करता रहता है, हमारा रिपीट ट्रांजैक्शन रेट 86% है। हमें अपने कंप्यूटर का नंबर नहीं पता, लेकिन व्हेन आई हैव रेड 85.95% हमारा रिपीट ट्रांजैक्शन रेट है। इसका मतलब भी बता देता हूँ कि हमने कैसे निकाला है। 30 महीने के पीरियड में, देखिए एक टिपिकल इंडियन फैमिली साल में एक बार हॉलीडे लेती है, फ्लाइट के लिए स्पेशली टेबली के लिए जाती है, तो हमने 2.5 साल का पीरियड लिया। 2.5 साल के अंदर अगर हमें 100 लोगों ने इस्तेमाल किया तो उनमें से 86 लोगों ने हमें एटलीस्ट 2 बार इस्तेमाल किया। Got it. ये हमारा तरीका था निकालने का। तो 86% हमारी रिपीट ट्रांजैक्शन रेट है। तो इस मार्केट पे एक अलग साइकिल में है जहाँ पे कोई आता है, यूज करता रहता है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बुला के लाता है, और उस वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। So, retention is basically more important for Ease My Trip rather than spending on advertisement and... Absolutely. Okay. So, like Prashant, you were just mentioning about your B2B2C business, like from where you started, and then eventually you moved to B2C business after 2011, as you just mentioned. But recently I have seen ki you have also trying to penetrate into B2E business also, like that is also... So, B2E business hamara pichle 3 saal se chal raha hai. To be honest, हमारा B2E business मात्र 2.7% है हमारे total business का। हमारा B2B business travel agent का business लगभग 10% है। हमारे पास में 54,000 travel agents हैं, लेकिन सबके सब use नहीं कर रहे हैं हमारी site इस time। 54,000 travel agents ने हमें register किया हुआ है past में। 56,000 travel agents ने हमें register किया हुआ है। लेकिन अब travel agents भी तो ticket नहीं बना रहे हैं। सारे सारा तो लोग website पे जाके बना रहे हैं। तो ये travel agents में से कुछ 2-3 हज़ार लोग हैं जो हमसे regular ticket बना रहे हैं अभी भी। तो 10% ही बिजनेस हमारा बेसिकली ट्रैवल एजेंट का बिजनेस है। 87% बिजनेस हमारा रेगुलर कस्टमर का, आप जैसे लोग अगर जो इस मैटर पे आते हैं बुकिंग करते हैं। Correct. और लगभग 3% बिजनेस हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस का है। कॉर्पोरेट बिजनेस में प्रॉब्लम ये आती है कि कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर आपको क्रेडिट देना पड़ता है, तो वो पूरा क्रेडिट साइकिल के ऊपर चलता है, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत राइट ऑफ्स भी आ जाते हैं। आपने हमारे फाइनेंशियल्स में देखा होगा या हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा, तो छोटे छोटे राइट ऑफ्स आते रहते हैं। तो जैसे कि हमारा पिछले 9 महीने का टोटल राइट ऑफ 35 lakh का था। टोटल बिजनेस हमारा पिछले 9 महीने का 1200 crore का है, जिसमें से 35 lakh रुपीज का हमारा राइट ऑफ है। वो कॉर्पोरेट बिजनेस की वजह से या छोटा मोटा ट्रैवल एजेंट के बिजनेस की वजह से हो सकता है। तो हमारा टू बी ऑनेस्ट कॉर्पोरेट के साथ हमें ग्रो करना चाहते हैं हम कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, लेकिन हम क्रेडिट देके ग्रो नहीं करना चाहते। तो वी वॉन्ट टू बी एन एसेट लाइट कंपनी, एंड यू नो वी वॉन्ट टू रिमेन एन एसेट लाइट कंपनी जहाँ पे हमारा पेएबल रिसीवेबल्स काफी कम हो, बिजनेस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे चले।
So, मतलब कि B2C will be the major focus, but still you want to penetrate into B2E and you just want to... B2C will remain the focus, absolutely. Okay, that will remain. Okay, so I'll move to the next question, Prashant. So, like, if we talk about the entire tourism industry, so, like, पूरा COVID के अगर हम बात करते हैं recent के time में, तो COVID एक ऐसी चीज थी जिसका सबसे बुरा असर शायद tourism industry के ऊपर पड़ा था. So, how did you, like, manage to remain even EBITDA positive, I would say, even in the... because of the COVID. And if I compare the numbers after the pre-COVID and after COVID, your net profit margin actually improved. Correct. So, to be honest, हम भी थोड़े बहुत सरप्राइज थे जब हमने नंबर्स देखे कि ये तो कोविड में भी हम प्रॉफिटेबल निकल गए. तो इसके तीन रीजंस हैं. मैं हमने आरएचपी में शायद ज्यादा मेंशन नहीं किया तो मैं खुल के नहीं बताऊंगा, बट मैं तीन हेड्स बता दूंगा जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थी. सबसे पहला हेड तो ये था कि कोविड के अंदर ऑब्वियसली बिजनेस गिरा है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम गिरा है. अगर आप देखेंगे तो पिछले साल पूरे साल के अंदर हमने 4200 करोड़ का बिजनेस किया था और अभी पिछले 9 महीनों में हमने 1200 करोड़ का बिजनेस किया है. तो ऑब्वियसली बिजनेस वॉल्यूम तो गिरा ही है, कोविड का टाइम था, पहले 3-4 महीने तो काम ही नहीं था ना. उसके बाद में जब काम आया और लास्ट क्वार्टर तो काफी अच्छा गया है, Q3 नाउ हमें तीन रीजन से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रह गया. पहला रीजन, हमें एयरलाइंस से थोड़ा बेटर कमीशन मिला इस टाइम पे. एयरलाइंस ने भी सपोर्ट किया, बेटर कमीशन किया. आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने इंडस्ट्री को किया होगा, बाकी को भी किया होगा. दूसरा रीजन, इस साल कॉम्पिटिशन बहुत कम था बिजनेस के अंदर, तो बेसिकली डिस्काउंट वॉर बहुत कम हुआ है. तो हमारा जो पिछले साल हमने 3% डिस्काउंट दिया था, वो इस साल हमने सिर्फ 2.1% डिस्काउंट दिया है. नाउ ये 0.9% ऑफ 1200 करोड़ से 11 करोड़ सीधा बिटा में चला गया एक तरीके से. तो डिस्काउंटिंग इस साल कम हुई है और समझ में भी आता है डिस्काउंटिंग इस साल कम होगी. आप लोगों को पता है कि भैया ट्रैवल इंडस्ट्री हिट है तो हम क्यों ज्यादा डिस्काउंट दें. और तीसरा रीजन ये है कि हमने जैसे ही कोविड शुरू हुआ, हमें पता था कि हमारा डे टू डे एक्टिविटी तो कम है, तो हमने सोचा एज ए कंपनी, एज ए प्रमोटर, हमने सोचा कि क्यों ना हम ये टाइम इस्तेमाल करें टू बिकम इवन मोर एफिशिएंट, टू बिकम इवन बेटर इन एफिशिएंसी. सी, हम पैसे ही ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट थे, लेकिन कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है. तो हमने सोचा कि इस साल डिस्ट्रैक्शन कम होगा, बिजनेस एज यूजुअल का डिस्ट्रैक्शन कम होगा, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के लोग और हायर करें. जहां पे लोग फायर कर रहे थे, हमने और लोग हायर किए. हमारी पिछली बार टीम थी अराउंड 45 लोगों की, अब हम 69 लोगों की टीम है सिर्फ टेक्नोलॉजी की. तो हमने टेक्नोलॉजी के लोग और बैठाए. तो मैं आपको बताता हूँ, हमने दो तीन चीजें की जिससे हमें काफी फायदा हुआ. तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि एक्चुअली मैं सोचा नहीं था, ये तो नीड आ गई थी हमारे सामने. नीड ये आ गई थी कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमारे कॉल वॉल्यूम एकदम स्पाइक अप कर गए 10 times. सिर्फ हमारे क्या, पूरे इंडस्ट्री के होंगे, यू नो, शेड्यूल एंड कैंसिलेशन, करेक्ट, मेरे रिफंड का क्या हुआ, मैं कब दोबारा फ्लाई कर सकता हूँ. तो हमारे कॉल वॉल्यूम 10 times चले गए, लेकिन हमारे कॉल सेंटर्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, एम्प्लॉयज आ नहीं सकते थे ऑफिस के अंदर. तो हमने कॉल राउट करने की कोशिश करी कि मोबाइल पे उठा ले, लोग घर बैठे बैठे बात कर ले, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ. तो हमने इमीडिएटली विद इन अ वीक एक सिस्टम बना दिया जिससे हमने व्हाट्सएप को और अपने पैनल को कनेक्ट कर दिया. Okay. तो जैसे ही कस्टमर हमारे नंबर पे कॉल करता था तो हम ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट कर देते थे और एक ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता था कस्टमर को कि नाउ यू कैन चैट विद अस. तो कस्टमर वहां पे कुछ मैसेज लिख देता था और हमारे एजेंट को हमारे पैनल पे वो मैसेज लिख जाता था और उस मैसेज पे वो रिप्लाई कर पाता था. तो इसकी वजह से कस्टमर का कनेक्शन बना रहा हमारे साथ में. लेकिन अब इसके इतने फायदे होंगे हमें नहीं पता था. पहले, सबसे पहला फायदा, पहले एक एजेंट, और ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा है हमारा, पहले हमारा एक एजेंट सिर्फ एक आदमी से बात कर पाता था, अब हमारा एक एजेंट 10 लोगों से एक साथ चैट कर सकता है. तो हमारा कॉल सेंटर में काफी फर्क पड़ गया. दूसरा फायदा कस्टमर के लिए भी, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकला. हम भी अभी इसे फोकस कर, हम इसी पे फोकस कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट मेथड लोगों की सर्विस करना व्हाट्सएप पे हो गया. कस्टमर के लिए फायदा कैसे, कौन चाहेगा कि आधे घंटे तक फोन पे रहे, होल्ड पे रहे आंसर जानने के लिए. कस्टमर के लिए बेटर है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप किया, नेटफ्लिक्स देख रहा है, आधे घंटे बाद व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ गया. तो इट बिकेम अ ह्यूज कस्टमर डिलाइट एज वेल एज दिस प्रोसेस. ये एक एग्जांपल था. दूसरा एग्जांपल था कि पहले हमारी कुछ APIs रीशेड्यूलिंग की सेमी ऑटोमेटिक थी, जिसकी वजह से हमारी 30 लोगों की टीम होती थी रीशेड्यूल और रीशेड्यूल और रीशुएंस की. अब वो सिर्फ 3-4 लोगों की टीम रह गई है, हमने वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया. तो ऐसी ऐसी चीजों की वजह से भी हमारे एबिटा में फर्क आया है. तो ये प्राइमरीली तीन रीजन थे जिसकी वजह से हमारा एबिटा बढ़ा. और इस कोविड टाइम के अंदर भी हमारा अभी पैट लास्ट के 9 महीने का 43.4 करोड़ था पैट हमारे लास्ट के 9 महीने का. सॉरी, पैट नहीं, एबिटा. एबिटा, सो दैट्स व्हाई इट वाज इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो आई थॉट कि वी शुड डिस्कस दैट. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लॉट ऑफ व्यूअर्स जो हमारे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि जब इज माई ट्रिप की बात होती है तो वहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात की गई थी.
तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि लाइक व्हाट दैट रिलेटेड पार्टी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सी हम एक ट्रेडिशनली एक इंटरनेट कंपनी तो है, लेकिन हम एक वीसी फंडेड कंपनी नहीं है. ये 100% ओन्ड बाय थ्री ब्रदर्स कंपनी थी और अभी भी है, अभी भी वी थ्री ओन 100% ऑफ इट. तो FY 15-16 तक जैसे मेरी वाइफ थी वो एचआर हेड बनी हुई थी, मेरी मदर जो थी वो एडमिन देखती थी, तो थोड़ा बहुत हमारे घर के मेंबर्स भी लगे हुए थे इसके अंदर. उनको बहुत नॉमिनल सैलरी जाती थी, 5 लाख रुपए साल की सैलरी थी, किसी की 6 लाख रुपए साल की सैलरी थी, किसी की 4 लाख रुपए साल की सैलरी थी. तो वो एक्चुअली में वर्क करते थे. माई वाइफ शी वॉज एक्चुअली एन एचआर पर्सन इन हेवल्स बिफोर मैरिज. तो मैं उनको लगा लिया, हमारे एचआर हेड बना दिया हमारे यहाँ पे. तो मेरी मॉम एडमिन देखती है, सारा सामान लाना ये वो करती थी. तो यू नो बैक इन 2016 वी रियलाइज कि इससे बेटर है हमें प्रोफेशन रखनी चाहिए टू ऑल्सो इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंपनी. तो हमने 2016-17 में वी लेट देम गो एंड यू नो वी हायर प्रोफेशनल्स एज वी वर ग्रोइंग अलॉन्ग द वे. और ये मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी बात है, 4 साल से तो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है. ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, जो जिसके बारे वो पास्ट में था. बिल्कुल. ओके ओके गॉट इट गॉट इट. सो आई विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्रशांत, जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो जो लोग व्यूअर्स होते हैं वो पूछते हैं कि इसमें से फ्रेश इशू कितना है, यानी कि कितने नए शेयर्स कंपनी लेके आ रही है, और कितना यहाँ पे ऑफर फॉर सेल्स है, यानी कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं. तो जब हम इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पूरा आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल का है, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं. सो लाइक व्हाट इज इट अबाउट, लाइक यू वांट टू से समथिंग. सो हमें 13 साल हो गए काम करते हुए और हमने आज तक कंपनी में 1 भी रुपए का डिविडेंड नहीं लिया एज अ प्रमोटर. और कंपनी के पास में 208 करोड़ कैश के फॉर्मेट में पड़ा है बैंक के अंदर, या तो कैश में या एफडी के अंदर पड़ा है. 208 करोड़ कंपनी के पास में पड़ा हुआ. तो कंपनी कैश रिच है, कंपनी का बैलेंस बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है. और कंपनी के अंदर हम पैसा लेंगे तो हम उसको, अगर हम कंपनी के अंदर पैसा लेते तो हम उसको मोस्ट लाइकली एफडी में ही रखते, जैसे कि हमने रखा हुआ है. तो इन्वेस्टर का पैसा वो एफडी में रखे, हमारे पास देखे एफडी में रखा, उसका कोई फायदा नहीं. तो हमारे बैंकर्स का एडवाइस था कि सिंस हमारे पास में कोई कैपेक्स का प्लान नहीं है, हमारी कंपनी की ग्रोथ होती आ रही है, हम 47% एनुअली ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा कोई कैपेक्स का प्लान नहीं है. तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप प्राइमरी ना करें, इसलिए हम सेकेंडरी करें. हम कर भी क्यों रहे हैं ये समझाता हूँ. सी बेसिकली एज आई सेड कि हमने आज से कभी भी कोई डिविडेंड नहीं लिया, तो ऑब्वियसली देयर इज सर्टेन वेल्थ व्हिच वी वांट टू जनरेट फॉर अवरसेल्स. लेकिन हम बेयर मिनिमम डाइल्यूट कर रहे हैं एज पर द रेगुलेशन. 25% बेयर मिनिमम होता है, हम 25% डाइल्यूट कर रहे हैं. अब उसका मेन रीजन, उसके दो मेन रीजन है. सी पहले तो हम जानना चाहते कि ये जो हमने बनाया है पिछले 13 सालों की मेहनत है हमारी, इसकी करंट वैल्यूएशन क्या है. अनलाइक एनी अदर ट्रैवल कंपनीज, हमारा कोई वीसी राउंड नहीं हुआ, पीई राउंड नहीं हुआ, तो हमारी कंपनी को कोई वैल्यूएशन नहीं लगी आज तक. ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कोई हमें एक्स वैल्यूएशन कह सकता है, कोई हमें वाई कह सकता है. तो मार्केट से बढ़िया क्या तरीका है टू नो कि हमने क्या वैल्यूएबल चीज क्रिएट की है पिछले 13 साल के अंदर. और दूसरी चीज है कि हमें पूरा यकीन है कि इस लिस्टिंग से हमें बहुत अच्छा टेलविंड मिलने वाला है, बहुत अच्छे हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं हमारी कंपनी को. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लिया, हम मार्केटिंग में तो खर्चा करते नहीं है, हमने आपको बता दिए बात. सपोज कर लीजिए आपको कल इंटरनेट पे पता चलता है कि इज माई ट्रिप कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करता है, और आपको एक रिटर्न टिकट बनाना है, आने जाने का बनाना है, तो आपको 600 रुपए बच जाएगा दूसरी वेबसाइट के कंपेरेटिवली. नाउ आपको 600 रुपए देने से पहले हमें 8,000 रुपए देना भी तो पड़ेगा, एक ट्रस्ट भी तो बनाना पड़ेगा आपको 8,000 रुपए का. ये छोटी टिकट आइटम तो है नहीं कि 500-600 रुपए की टिकट बना लो. मिनिमम आपको 8,000 रुपए पे करना पड़ेगा इज माई ट्रिप को, और इज माई ट्रिप ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं करती है. तो एक आदमी के मन में हिच हो जाता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हिच होता है, हम समझते हैं बात. और एक और चीज देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपको इज्मा ट्रिप का बेनिफिट पहले पेज पे दिखता है. आपने इज्मा ट्रिप खोला, मिकमा ट्रिप खोला, इंडिगो खोला, एक्सवाईजी कंपनी खोली, सबके प्राइसेस आपको सेम दिख रहे हैं. इज्मा ट्रिप का बेनिफिट आपको लास्ट पेज पे जाके मिलता है, जहां पे कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं होती है. तो लोग लास्ट पेज तक पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले ड्रॉप ऑफ हो जाता है. हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जहां पे कस्टमर को एटलीस्ट श्योरिटी मिलेगी कि जो 600 रुपए बचा रहा है वो जेन्युइन है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है. जो 600 रुपए बचाने के लिए आया है यहाँ पे, उसका 8,000 रुपए खराब नहीं होने वाला है. इट्स अ लिस्टेड कंपनी, इट्स नॉट अ फ्लाई बाय नाइट कंपनी. हमें 13 साल हो गए काम करते करते. नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एयर टिकटिंग वॉल्यूम एंड वी आर हियर फॉर अ लॉन्ग रन. सो इट विल क्रिएट मोर ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और इसीलिए हम इंडिया में लिस्ट करें, हमें शायद थोड़ी बेटर लिस्टिंग बेटर वैल्यूएशन मिल जाती है. हम बाहर लिस्ट करते हमें थोड़ी क्या काफी अच्छी बेटर वैल्यूएशन मिल सकती थी अगर हम बाहर लिस्ट करते. लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता है इसकी वजह से जो हम मार्केटिंग नहीं कर रहे उसकी भी भरपाई हो जाएगी. गॉट इट प्रशांत. सो ओके, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो कोविड की जब भी बात की जाती है तो लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री वाज रियली हिट बाय द कोविड, बट नाउ द कोविड वैक्सीन इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. सो अगर कोविड वैक्सीन का पूरा जब
जो प्रोसेस है खत्म हो जाता है और यहाँ पे वापस से ग्रोथ देखने को मिलती है. सो हाउ डू यू सी कि हाउ दैट इंडस्ट्री विल शेप अप इन द कमिंग टाइम एंड व्हाट कैन बी द न्यू चैलेंजेस दैट इंडस्ट्री कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग. श्योर. सो बेसिकली अगर आप अभी की बात करें तो लास्ट के 9 महीने में इंटरनेशनल टिकटिंग की रिकवरी कम हुई. हम अपनी बात कर लेते हैं, दिसंबर 2020 को अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 से, तो हमारी इंटरनेशनल की जो हमारी जो इंटरनेशनल की रिकवरी हुई है, इंटरनेशनल टिकटिंग की, वो हुई है 34% और हमारी डोमेस्टिक की रिकवरी हुई है 76%. तो इंटरनेशनल पूरी तरह से रिकवर नहीं करता है क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस ही नहीं है अभी इतनी ज्यादा जो फ्लाई कर रही है. नाउ गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है एंड हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आधा कंप्लीट या पूरा कंप्लीट होता है तो एक बहुत बड़ा पेंट अप डिमांड है लोगों के अंदर ट्रैवल करने का, वो सामने आएगा. पूरी इंडस्ट्री के लिए कह रहा हूं, सिर्फ वीजा ट्रिप के लिए नहीं कह रहा, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा खासा पेंट अप डिमांड है जो बाहर निकल के आना चाहिए और जिसकी वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर फिर से अच्छा बूम आना चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बूम आना चाहिए. तो हमें उम्मीद है कि ट्रैवल इंडस्ट्री के पास इतना काम आएगा कि काम करने के लिए मुश्किल आ जाएगी. पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जैसे ही ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है. गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से. सो प्रशांत, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब भी होटल्स की बात की जाती है तो होटल्स वर, अगर मैं कुछ साल पहले जाता हूँ, दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू लिस्ट देमसेल्फ ऑन ओटीए प्लेटफॉर्म्स बेसिकली. बट रिसेंट के टाइम एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है कि लॉट ऑफ ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग इन देयर ओन वेबसाइट्स बेसिकली, सो दैट कस्टमर्स कैन कम टू देम एंड दे शुड एबल टू रिटेन दोस कस्टमर्स. सो हाउ डू यू सी कि इट कैन इंपैक्ट इज माय ट्रिप इन द कमिंग डेज. तो मैं इसका जवाब है ना बहुत एक छोटे फैक्ट से देता हूं. अगर आप इज्मा ट्रिप की बात करें तो हमारे मोबाइल सर्चेस साल भर साल बढ़ती जा रही है. डेस्कटॉप सर्चेस के कंपैरेटिवली मोबाइल सर्च बहुत तेजी बढ़ती जा रही है और लास्ट इन लास्ट 9 मंथ के अंदर जितनी भी सर्चेस हुई हैं 87% सर्चेस मोबाइल के ऊपर हुई है, सिर्फ 13% सर्चेस डेस्कटॉप के ऊपर हुई है. मैं मोबाइल का मतलब मैं मोबाइल वेबसाइट भी कह रहा हूँ और हमारी ऐप भी कह रहा हूँ. तो जितनी भी सर्चेस इज्मा ट्रिप पे हुई है 87% सर्चेस हमारी मोबाइल पे हुई है और आई एम वेरी श्योर यही पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड होगा कि ज्यादातर काम हम मोबाइल पे ही हो रहा है. लोग डेस्कटॉप खोल के टिकट नहीं बना रहे हैं, लोग मोबाइल पे ही टिकट्स बना रहे हैं, लोग मोबाइल पे ही होटल बुक कर रहे हैं. तो इसका आपको एक बहुत बड़ा असर बताता हूँ. इसका असर यह है कि ओटीए के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही है. जब तक आप डेस्कटॉप है तो आप फिर भी कम से कम 10 टैब खोलकर रेट चेक कर सकते थे, बट मोबाइल पे ये काम और मुश्किल हो गया. मोबाइल पे ये काम, इसकी वजह से ओटीए इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी विद टाइम बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है. तो जो भी होटल है जो स्पेशल रेट्स निकालते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो ओटीएस के साथ में रिलेशनशिप नहीं तोड़ते, वो ओटीएस पे भी बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट और वो भी ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि ओटीएस को नाराज करके सिर्फ अपने पास में अच्छा रेट रखना से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर उनका बिजनेस जो लोग ओटीए पे देख रहे हैं उनका बिजनेस किसी और होटल को जा रहा है. इंडिया में लगभग 90,000 होटल्स हैं. अगर आप एज ए कस्टमर 90,000 वेबसाइट्स पर तो जाके प्राइस चेक करेंगे नहीं, आपको ओटीएस पे आना ही पड़ेगा. ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जो एग्रीगेटर्स हैं होटल्स के, जो एग्रीगेटर्स हैं बस के, जो एग्रीगेटर्स हैं फ्लाइट्स के, हमारे जैसे लोग. तो मैं पूरी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ. तो इंडस्ट्री के अंदर ओटीएस का महत्व बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ में, कम नहीं हो रहा है. तो ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं ये मेरे को तो लगता है ज्यादा लंबा सस्टेनेबल नहीं है, बट देखते हैं इधर की तरफ जाते हैं. बट प्रशांत, जब भी यहाँ पे बात की जाती है रेवेन्यू की, इफ आई टॉक अबाउट द इज माई ट्रिप रेवेन्यू, सो 95% ऑफ द रेवेन्यू इज स्टिल कमिंग फ्रॉम द एयरलाइंस बेसिकली, जो टिकट बुकिंग होता है, एंड ओनली 5% इज कमिंग फ्रॉम द अदर सेगमेंट. सो हाउ डू यू सी कि आने वाले टाइम में हाउ यू आर प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई योर द रेवेन्यू बेस और द टॉप. मैं आगे की स्टेटमेंट ज्यादा नहीं बोल सकता लेकिन मैं आपको एक पास्ट का इंस्टेंस बता देता हूँ. तो आपने अभी जो नंबर बोला कि 94% हमारा बिजनेस आ रहा है एयर टिकट से और अराउंड 5.4% आ रहा है हमारा होटल और हॉलीडेज से और बाकी का कुछ बाकी सब कुछ मिलाकर से आ रहा है, तो बिल्कुल सही है. लेकिन ये FY20 का नंबर है. अब मैं आपको अगर FY19 का नंबर बताऊं तो FY19 में होटल और हॉलीडेज का कंपोनेंट मात्र 2.7% था हमारे रेवेन्यूज के अंदर. तो FY19 में 2.7 था और FY20 में 5.4 हो गया, सीधा डबल हो गया. तो इससे हमारे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा फोकस काफी रह रहा है होटल और हॉलीडेज स्पेस के ऊपर. हमने पहले फ्लाइट बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हमने 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 इंश्योर किया कि हम उसको एक बहुत कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से बना पाए, बेच पाए उस प्रोडक्ट को. हम बिना कन्वीनियंस फीस चार्ज किए भी प्रॉफिटेबल हो पाए, जबकि पूरी इंडस्ट्री कन्वीनियंस फीस चार्ज करने के बाद भी लॉसेस में है. तो उसके ऊपर फोकस जरूरी था, तो हमने बहुत अच्छे से फोकस की और उस प्रोडक्ट को इस कदर पे लाए कि अब वो ग्रो हो रहा है एट अ वेरी डिसेंट पेस
और जहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है बहुत कम रिक्वायरमेंट है, सिस्टम सेट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट के 2-3 साल से फोकस हो गया है होटल और हॉलीडेज के ऊपर, तो उसके अंदर भी हम बहुत नई नई चीजें कर रहे हैं, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं भी उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारा मॉडल काफी अलग है होटल और हॉलीडेज बेचने का, जिसकी वजह से हम उसके अंदर भी ग्रोथ काफी अच्छी देख रहे हैं। Got it. ठीक है भूषण. Okay, so now I'll take some questions. Those are being buzzed by our viewers on our YouTube. So कुछ वहाँ से question लेते हैं. तो एक question हमसे पूछा गया है PE ratio के बारे में, like price to earning ratio काफी commonly देखा जाता है हर जगह पे जब भी investment की बात आती है, valuations की बात आती है. So how do you want to comment on your PE ratio? हमारा PE ratio लगभग 60 का है for FY20 का number देखा जाए. तो हमें तो लगता है कि हमारी ग्रोथ अच्छी खासी है, तो वेल टू बी ऑनेस्ट हमारी पी रेशियो, हमारी वैल्यूएशन, ये सब बैंकर्स का काम है। हमने तो यू नो QIP से बात की, हमारी एंकर लिस्ट देख सकते हैं, पब्लिक हो गई है हमारे, हमने कौन कौन से एंकर्स हमारे पास में एंकर्स HSBC है, नोमोरा है, L&T है, टाटा टाटा वाले भी आए, टाटा ट्रस्ट भी है, ICICI प्रूडेंशियल है, और काफी सारे अच्छे अच्छे नाम है। तो इन लोगों के साथ में हमारी अच्छी खासी मीटिंग्स हुई हैं और उनके फीडबैक और हमारे बैंकर्स के फीडबैक के बेसिस पे हमारी पी, हमारी वैल्यूएशन, ये सब उन लोगों ने निकाली है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं उस साइड में नॉलेज कम रखता हूँ, बट हमें ये जो पता चला है कि ये निकाला जो गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस निकाला गया है कि पहले तो हमारा कोई इस मार्केट के अंदर, कोई इंडियन मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी तक लिस्टेड, हर लिस्टेड है वो सब लॉसेज में है, तो लॉसेज में है, तो इसलिए हमारा जो पीई का रेशियो है वो हम इतना कमांड कर पाएंगे एज पर अवर बैंकर्स एंड एज पर अवर इन्वेस्टर्स। ओके, एंड एज यू नो कि हमारे साथ बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं ग्रो के साथ डायरेक्टली, जो ग्रो के पास आते हैं, तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि रिटेल पोर्शन इतना कम क्यों रिजर्व किया गया, लाइक व्हाई। ये भी हमारी चॉइस नहीं थी, ये भी सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बेसिकली 3 साल के अंदर आपको एक बेयर मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी हिट करनी होती है, तो हमारा FY18 में वो बेयर मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी शायद हिट नहीं हो पाई थी, इस वजह से सेबी के गाइडलाइंस की वजह से 10% हमारा रिटेल है। हमें भी बहुत दुख है, हम खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा, हम खुद चाहते थे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा रिटेल कस्टमर्स के पास में, क्योंकि हम एक रिटेल ब्रांड है, हम खुद ही एक कस्टमर फेसिंग ब्रांड है, तो बेसिकली हम भी ये चाहते थे, लेकिन ये सेबी की गाइडलाइंस की वजह से हमें 10% करना पड़ा, और ये भी हमारे बैंकर्स का डिसीजन है, हमारा नहीं। गॉट इट। सो आई विल जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप क्या देखते हैं कि अगले 5 साल में इज माई ट्रिप कैसे इवॉल्व होती आपको दिख रही है? ये तो फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के बेसिस पे बता सकता हूँ। देखिए हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने वी हैव ट्रेडिशनली फॉट अ डेविड वर्सेस गुलायत स्टोरी, कि जहां पे ना हमारे पास में, बाय द वे वी आर 100% बूटस्ट्रैप्ड, 100% स्टिल ओन्ड बाय अस, ये मेरे ख्याल से एक बहुत रेयर एग्जांपल होगा कि एक इंटरनेट कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी बिना पैसे रेज किए, वीसी मनीज के 2 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन आजकल तो ऐसे रेज हो रहे हैं, बिना वीसी मनी रेज किए एक बूटस्ट्रैप कंपनी आईपीओ के गेट्स पे पहुंच गई है, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में, तो क्या मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ही बहुत 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 यूनिक केस होगा। तो हमें टू बी ऑनेस्ट यू नो उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, अभी भी ये बहुत सरियर लगता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, और लास्ट के 13 सालों में हमने खूब मेहनत की है जिसकी वजह से हम सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आए हैं, बट हम इसमें भी अभी खुश नहीं है, हम वी कंसीडर दिस एज अ डे वन राइट नाउ, हमें अभी भी बहुत मेहनत करनी है, हमें अभी भी अपना होटल बहुत अच्छा बनाना है, हमें फ्लाइट के अंदर अपना जो ग्रोथ चल रही है वो कंटिन्यू करनी है और बेटर करनी है। सी हमारा क्वेश्चन जो अपने आप से रहा है ना, वो यही रहा है कि हमारा प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो हम सिर्फ 47% क्यों ग्रो करें, हम 200% ग्रो क्यों नहीं करें, ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं। हम अगर इंडिया जैसी कंट्री में जो प्राइस सेंसिटिव है, हम 200% 300% ग्रो क्यों नहीं करें सालाना, तो हमारा आंसर ये निकलता है कि हमारा बेनिफिट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखता है, हमारा बेनिफिट 10th पेज पे जाके दिखता है, अगर किसी कस्टमर को दिखेगा तो फर्स्ट पेज पे नहीं दिखता है, फर्स्ट पेज पे सबको प्राइस सेम दिखते हैं, तो हमें यही रीजन लगता है कि इसकी वजह से हमारी एक बहुत स्टेबल बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है, और वो मुझे लगता है अभी कंटिन्यू होती रहेगी क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। Got it. So I think that's the time to end our session for the day. So thanks Prashant for coming on Grow. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे viewers को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस interview से, उनको काफी idea लगा होगा इस IPO के बारे में. If you want to give any closing statement, like you're free to give. I cannot say to मैं कुछ खास कह नहीं सकता हूँ IPO के बारे में, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, but thank you for having me over here and thank you for listening us. I hope कि मैं आपके काफी सारे doubts clarify कर पाया हूँ इस medium के जरिए. Thank you. So thank you Prashant, thank you coming on Grow.
तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे हम आपको ईज माई ट्रिप के सीईओ के साथ डायरेक्टली सामने आपके क्वेश्चन सुनकर तक लेके जाना मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैं सीईओ नहीं हूं, मैं को फाउंडर एंड होल टाइम डायरेक्टर हूं, सीईओ मेरा ब्रदर है निशांत पति, बट इट्स ओके। सॉरी। ओके तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।